ग्वालियर कॉलेज संचालक प्रशांत परमार के इकलौते पुत्र प्रखर परमार की नृशंस हत्या के विरोध में क्षत्रिय समाज और स्थानीय लोगों ने कलेक्ट्रेट रोड पर चक्का जाम कर दिया। ये चक्का जाम लगभग 2 घंटे तक जारी रहा। पीड़ित परिवार और क्षत्रिय समाज की मांग थी कि हत्यारों को फांसी दी जाए। कॉलेज संचालक प्रशांत परमार के बेटे को नगर निगम में कार्यरत करण वर्मा और उसके दो साथी गौरव एवं भानु वर्मा ने भवन निर्माण की अनुमति के कागजात देने के बहाने अगवा कर लिया था। इसके बाद आरोपियों ने कलेक्ट्रेट के पीछे जाकर प्रखर की हत्या कर दी थी और उसकी लाश को झांसी के नजदीक जला दिया था। पुलिस ने झांसी जाकर मृतक प्रखर की लाश बरामद कर ली है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में तीनों आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। यदि इसमें कोई अन्य भी साजिशकर्ता शामिल पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग को लेकर क्षत्रिय समाज और स्थानीय लोगों ने कलेक्ट्रेट रोड पर चक्का जाम कर दिया। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाइश के बाद जैसे तैसे उन्हें शांत कराया। उनके घर बर्बाद करो, उनके घर बर्बाद करो, उनके घर बर्बाद करो, कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करो, कार्यकर्ताओं को साज रचने वाले को अपराधियों को उधर चल आज प्रिंट मीडिया में आपने देखा होगा वो काफी वो क्या नाम है लड़के की खत्म हुआ है प्रखर की जो निर्मम हत्या हुई है उसके बारे में डिटेल में लिखा हुआ है। उसी संबंध में समाज में आक्रोश व्याप्त है जिसके लिए मुझे यहाँ आना पड़ा है। उनकी मांग है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और कार्रवाई बनती भी है। पुलिस ने 3 गिरफ्तारी कर ली है, बाकी साजिश में कौन है शेष गिरफ्तारी हो रही है। बताया जा रहा है कि उनके मकान अवैध हैं, हम अवैध मकान भी तोड़ेंगे। इस तरह की चीज़ को दमन करने के लिए, ऐसी मनसा को, ऐसी मानसिकता को दमन करने के लिए उनका अवैध मकान हम वो भी तोड़ेंगे। फांसी की भी मांग की है जी, फांसी की भी मांग की है। ये तो न्यायालय का है, फांसी दे या क्या दे। पुलिस का काम गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश करना है। अब पूरा जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन उनकी भावनाओं के अनुरूप काम करेगा। अभी 2 दिन पहले की घटना है। आदरणीय प्रशांत सिंह परमार जी का बेटा प्रखर परमार, जिसको कि कुछ लोगों ने किडनैप किया और किडनैप करने के बाद में गाड़ी के अंदर ही गोली मारकर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई और उसकी डेड बॉडी भी हमको नहीं मिल पा रही है परिवार को, और उसको जला दिया गया बॉडी को। इस सब घटनाक्रम से लेकर पूरे क्षत्रिय समाज में भयंकर रोष व्याप्त है। इस प्रकार की घटनाएं अगर शहर में आए दिन बढ़ती जाएंगी तो शांति व्यवस्था पूरी तरह से चौपट होगी। ये घटनाएं आज इनके साथ हैं, कल किसी और के भी साथ हो सकती हैं, इसीलिए पूरा क्षत्रिय समाज प्रशांत भाई साहब के साथ है। और प्रशासन से हमारी ये मांग है कि इसमें जो भी अपराधी हैं, चूँकि 3 दिन से ज़्यादा का समय बीत गया है, तीनों अपराधी तत्काल गिरफ्तार किए जाएँ। इस पूरे घटनाक्रम में ऐसा प्रतीत होता है कि कोई ना कोई साजिश करता है और जो भी साजिश करता है उसका पर्दाफाश हो, उसको तत्काल गिरफ्तार करके कठोर कार्रवाई उसके ऊपर की जाए। दूसरी हमारी मांग थी कि जो अपराधी हैं ये आदतन अपराधी है, जो एक भानु वर्मा करके है और एक करण वर्मा करके है, एक गौरव श्रीवास्तव है शायद, ऐसे ये तीनों हैं, ये आदतन अपराधी हैं। नगर निगम में लोगों से वसूली करना और इस प्रकार का इनका काम है। इनके बहुत सारे पहले भी ट्रैक रिकॉर्ड हैं और इनके जो मकान बने हुए वो सरकारी ज़मीन पर बने हुए हैं, अवैध निर्माण है। उनके मकानों को तत्काल तोड़ा जाए जिससे कि पीड़ित पक्ष को न्याय मिल सके, इस प्रकार की हमारी और समाज के अंदर ये मैसेज जाए। और जो भी इस प्रकार के अपराधी हैं वो लोग आगे से इस प्रकार का अपराध करने से पहले 100 बार सोचें, उनके मन में एक डर और भय प्राप्त हो, और तत्काल इस प्रकार का हुआ तो शहर में जरूर एक मैसेज जाएगा, शांति व्यवस्था कायम होगी। ये हमारी मुख्य मांग। नहीं कह सकते प्रशासन की सफलता।
प्रखर परमार की परसों किडनैपिंग करके हत्या कर दी गई थी, जिसमें उनके परिजनों और उनके जो रिश्तेदार हैं उनमें काफ़ी आक्रोश व्याप्त था। इस बात को लेकर उनके द्वारा कुछ मांगे रखी गई थी, जिसमें SDM साहब के द्वारा वो मांगे उनका जो ज्ञापन पत्र है वो लिया गया है, जिसमें उनके मकानों को तोड़ने और अन्य कोई साजिश के पीछे कोई इस तरह का अगर हाथ है उस संबंध में कार्रवाई करने के लिए उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया, जो कि उचित है। अगर उनके उसमें कोई भी चीज़ इस तरह की पाई जाती है कि वो उस पर साजिश करता है तो उसकी भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अनुसार जो साक्ष्य आएगी उसके अनुसार काम करके उसको भी गिरफ्तार करेगी। ग्वालियर से गुड्डू सविता की रिपोर्ट।